अस्सलाम वालेकुम, आई एम हसीब ताज। मैं एक सिविल स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ। एक वीडियो की सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल साइड और थियोरेटिकल साइड ऑफ कंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊँगा। अगर आप घर लेना चाह रहे हैं, घर बना रहे हैं या सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, क्वान्टिटीज़ कैसे निकाली जाती हैं, क्वालिटी कैसे चेक की जाती है, इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। मेरा अपना ताल्लुक एग्जीक्यूशन से है, कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन से, पिछले 7-8 साल से। उससे पहले मैंने बैचलर्स अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा से किया है सिविल इंजीनियरिंग में, और मास्टर्स मैंने नस्ट से किया है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल साइड को मर्ज करके एक प्रॉपर चीज़ बताऊँ और आपके कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में क्लियर हूँ। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद कॉन्क्रीट। कंस्ट्रक्शन में बहुत ही वाइडली यूज ये मटेरियल है। कुछ की कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और एंड में आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें ड्रम मिक्सर है और बैचिंग प्लांट है, और उन दोनों को देख के आपको अंदाज़ा होगा कॉन्क्रीट बनती कैसे है। सो जल्दी से इसके कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं। पहले कंस्ट्रक्शन स्टील और वुड की मेनली होती थी, आजकल कॉन्क्रीट की इसी वजह से होती है कि काफ़ी इकोनॉमिकल मटीरियल है। अगर आप कैनेडा में तो शायद वुड इकोनॉमिकल हो, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट काफ़ी इकोनॉमिकल मटीरियल है। 60-80% तो होते ही उसमें क्रश्ड स्टोन है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होती है, इसको बारिश से, केमिकल अटैक से, बर्फ़ से, पोल्यूशन से कुछ खास होता नहीं है। फायर रेजिस्टेंट भी है, थर्मल अक्यूस्टिक प्रॉपर्टीज़ भी अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं होती बिल्डिंग में कंक्रीट की, तो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा मटेरियल है। एक और इसका बेनिफिट ये भी है कि बहुत ही सिंपल एक मटेरियल है। सिर्फ आप सीमेंट, क्रश और सैंड को मिक्स करें, बीच में पानी डालें, पानी सीमेंट के साथ रिएक्ट करके सीमेंट को एक ग्लू सा बना देता है और एक मैन मेड स्टोन बन जाता है, जिसको जिस शेप के मोल्ड में, जिस सांचे में आप रखेंगे उसी सांचे की शेप ले लेगा। कभी कभी इसमें कुछ एडमिक्सचर्स डाले जाते हैं, प्लास्टिसाइजर फॉर एग्जांपल डाला जाता है वर्केबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, रिटार्डर्स डाले जाते हैं ताकि वो लेट सेट हो, एक्सेलरेटर्स डाले जाते हैं ताकि जल्दी सेट हो, ऐसी कुछ चीज़ें डाली जाती हैं लेकिन बहुत छोटी अमाउंट में। ओवरऑल बस ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, सीमेंट, क्रश, सैंड और वाटर। कॉन्क्रीट बनती कैसे, इससे पहले ये कॉन्सेप्ट लेना बहुत ज़रूरी है कि वॉल्यूम और वेट में फ़र्क क्या होता है। ये जो दो बॉक्सेज आप देख रहे हैं, इन दोनों का वॉल्यूम सेम है। हाइट, वेथ और लेंथ को मल्टीप्लाई करें, फर्ज करें ये तीनों साइड्स 2 फीट हैं, तो 2 × 2 × 2 8 क्यूबिक फुट इसका वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम इज जस्ट अमाउंट ऑफ स्पेस दैट एन आइटम ऑक्यूपाइज, जो जगह इसने घेरी हुई है वो वॉल्यूम है। लेकिन अगर एक में रेत भरी हुई है और एक में फोम भरा हुआ है, तो अगर आप साइड पर जो स्केल है उसमें देखेंगे तो एक भारी होगा और एक हल्का होगा, तो जो अमाउंट ऑफ हैवीनेस है वो इसका वेट है। मास और वेट की भी डिफरेंशिएशन होती है थियोरेटिकली। अगर जाएं तो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर और वेट इज अ ग्रेविटेशनल पुल, उन दोनों के यूनिट्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आवर डिस्कशन लेट्स जस्ट से कि हम केजीज में ही बात करेंगे। तो ओवरऑल आपको वेट और वॉल्यूम का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए बिफोर यू अंडरस्टैंड हाउ इट्स मेड। सो अगर आप फील्ड में हैं तो हर चीज़ को वे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, खासतौर पर अगर बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है कोई चीज़ तो उसको वे करना मुश्किल होता है। तो उसकी रिप्लेसमेंट में ये करते हैं हम कि एक सेट सांचा या एक मोल्ड बना देते हैं जिसका सेट वॉल्यूम होता है, तो उसको अगर भरें तो वॉल्यूम इजीली मेजर हो सकता है। अनस्किल्ड लेबर भी बहुत आसानी से वो चीज़ कर सकती है। जैसे कि आप ये व्हील बैरो देख रहे हैं, इसका एक सेट वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को रिपीट करना बहुत आसान है। इन द लैब हाउएवर, लैब में ये होता है कि हर दफ़ा वॉल्यूम मेजर करना मुश्किल होता है, वेट करना आसान होता है। आपके पास वेइंग स्केल्स रेडिली अवेलेबल होते हैं, अमाउंट भी थोड़ी छोटी होती है, तो लैब में यूजली वेट के साथ, मास के साथ काम होता है। तो अगर आप मिक्स डिज़ाइन एक बनाएं लैब में तो प्रॉबली आप वेट या मास में बनाएंगे, लेकिन फील्ड में इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको वॉल्यूम में चेंज करना पड़ेगा, तो देर इज़ अ डिफरेंस, यू शुड नो दैट। सो पाकिस्तान में अब भी मेन जो कॉन्क्रीटिंग होती है वो ड्रम मिक्सर से ही होती है। मैं अभी इसकी एक वीडियो आपको दिखाता हूँ उसके बाद। तो ड्रम मिक्सर क्योंकि फील्ड के ऊपर यूज़ होते हैं, तो उनके अंदर जो हम क्वान्टिटीज़ डालते हैं वो बाय वॉल्यूम ही डालते हैं। व्हील बैरो को एक सेट करके या एक बॉक्स को सेट करके उसी के अंदर से यूज़ करते हैं। हमें वॉल्यूम सीमेंट का पता होता है एक बैग का, उसी के साथ फिर रेशो हम बना लेते हैं बाकी चीज़ों की। आजकल बैचिंग प्लांट्स भी यूज़ होते हैं, और बैचिंग प्लांट की भी एक वीडियो है जो मैंने आपके लिए बनाई है, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। वो ऑटोमेशन के थ्रू हम वेट और मास के साथ खेल सकते हैं उसमें, और ज़्यादा कंसिस्टेंटली एक मिक्स बना सकते हैं। स्ट्रेंथ का आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए। कंक्रीट की में जो ज़्यादातर स्ट्रेंथ यूज़ होती है वो 3000 PSI यूज़ होती है आजकल घरों में और हर जगह। टॉल बिल्डिंग में ज़्यादा भी यूज़ होती है। 3000 PSI का मतलब है 3000 pounds per square inch कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो बिल्डिंग्स के अंदर 4000 भी कॉलम्स की यूज़ होती है, 5000 भी होती है, 6000 भी होती है, डिपेंडिंग ऑन द साइज और जस्ट द नीड ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और 3000 को M20 भी कहा जाता है। M20 का बेसिकली मतलब यह है कि जो नंबर 20 है, ये एक और यूनिट है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इस यूनिट को बस मल्टीप्लाई बाय 145 करें आप तो लगभग PSI का डिजिट आ जाता है। आई थिंक 20 को मल्टीप्लाई करें 145 से तो 3000 के करीब ही आएगा। तो अगर यहाँ पे M40 है तो समझें कि 6000 PSI है, उसके लगभग की स्ट्रेंथ की कॉन्क्रीट है।
फील्ड में अक्सर आपने सुना होगा कि 1:2:4 की कॉन्क्रीट है, 1:4:8 की कॉन्क्रीट है। इसका मैं मतलब आपको समझाता हूँ, बड़ा सिंपल सा है। इट इज सिंपली द रेशो ऑफ सीमेंट टू सैंड टू क्रश, 1 बींग सीमेंट, 2 बींग सैंड और 4 बींग क्रश। ये जो रेशो है बाय वेट नहीं है, बाय वॉल्यूम है, तो इसमें तीनों जो है हम वॉल्यूम ही लेते हैं। एक और चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि 1:2:4 जो है इट इज स्ट्रॉन्गर देन 1:4:8, क्योंकि इसमें कंपैरेटिवली सीमेंट ज़्यादा है, इट इज़ रिचर इन सीमेंट। इसी तरह 1:3:3 जो है वो 1:2:4 से भी स्ट्रॉन्ग है। रेफरेंस के तौर पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वाटर सीमेंट रेशो अगर कम रखा जाए तो 1:2:4 से आप 3000 PSI की स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, और तो यूजली फील्ड में थोड़ी सी से कम ही आती है। वाटर सीमेंट रेशो अगली साइड में एक्सप्लेन होगा। तो 1:1:2 जो है वो इन सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग है। अब जो फील्ड में देखने वाली चीज़ है वो आप सबसे आखिरी लाइन जरा गौर से देखिएगा। हमने बाय वॉल्यूम कंक्रीट बनानी है 1:2:4, हमें सीमेंट के बैग का क्यूबिक फुट में वॉल्यूम पता है। तो सीमेंट का जो एक बैग है जो कि 50 kg का होता है, उसका मैस वेट छोड़ दें, आप वॉल्यूम देखें 1.25 क्यूबिक फुट का वॉल्यूम है। उसके साथ हमें 2.5 क्यूबिक फुट सैंड डालनी है और 5 क्यूबिक फुट क्रश डालनी है टू मेक इट 1:2:4। जो एक व्हील बैरो होता है या एक वो स्क्वेयर सा एक डग्गा होता है, उसको डिज़ाइन ही ऐसे किया जाता है कि वो 2.5 क्यूबिक फुट का हो। तो एक सीमेंट का बैग डालते हैं, एक जो रेडी है व्हील बैरो है वो सैंड की डालते हैं, और 2 रेडियां क्रश की डालते हैं, विच मेक्स इट 1:2:4। फिर उसके अंदर पानी डालते हैं और मिक्सिंग करते हैं और कॉन्क्रीट बन जाती है। अब जल्दी से कुछ फैक्टर्स देखते हैं जिससे कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ को काफ़ी फर्क पड़ता है। पहले तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है, सीमेंट कैसी क्वालिटी का है। एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब क्रश भी है और सैंड भी है। उसकी शेप, उसका साइज, उसकी ग्रेडिंग, ग्रेडिंग का मतलब है कि हर साइज का दाना हो ताकि आपस में कॉम्पैक्ट रहे वो पूरा सिस्टम। प्योरिटी मतलब उसमें कोई ऑर्गेनिक जड़ें पत्ते वगैरह ना हो, प्योर हो। वाटर की क्वालिटी भी बड़ी ज़रूरी। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो वाटर ड्रिंकेबल हो वही यूज़ करना चाहिए इस कॉन्क्रीट में, उसके अंदर कोई केमिकल एक्टिविटी ताकि ना हो, हाइड्रेशन प्रोसेस सही हो। क्वांटिटी भी फ़र्क डालती है, सीमेंट ज़्यादा होगा तो हायर स्ट्रेंथ आएगी। कंपैरेटिवली अगर जो फाइन एग्रीगेट है सैंड है वो अगर ज़्यादा होगी तो वाटर डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, उससे भी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, लेकिन वो काफ़ी डिटेल्ड वाली बात है। वाटर सीमेंट रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस एक रेशो है पानी का सीमेंट के साथ, बाय वॉल्यूम नहीं, बाय वेट, या बाय मैस भी कहें तो गलत नहीं होगा। तो वाटर सीमेंट रेशो अगर ज़्यादा है इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ बहुत कम है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपने वाटर हमेशा कम ही रखना है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि अगर वाटर बहुत कम होगा तो वर्कबिलिटी बहुत कम होगी, बहुत सॉलिड सी जगह होगी, सॉलिड सा मैस बनेगा, जिसकी वजह से आपको कंक्रीट को मूव करने में, प्लेस करने में, कॉम्पैक्ट करने में मसला होगा। फिर आता है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो टाइम कम मिलेगा कॉन्क्रीट को सेट होने में, उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर बनेगा नहीं, तो ज़्यादा टेम्परेचर विल रिजल्ट इन अ लोअर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। फिर आ जाती क्योरिंग, जिसको पाकिस्तान में तराई कहा जाता है, बार बार पानी फेंकना एक तरीका है क्योरिंग करने का। क्योरिंग का मेन मकसद ये होता है कि जो हाइड्रेशन एक केमिकल रिएक्शन है जो कि सीमेंट बाइंड करता है पूरे सिस्टम को, उसको कहते हैं। तो हाइड्रेशन को एक खास हद तक पानी चाहिए होता है, वो पानी अगर वेपरेशन से या किसी भी वजह से या टेम्परेचर से अगर निकल जाए सिस्टम से तो हाइड्रेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा कम्प्लीट होता नहीं है। तो उस पानी को रोकने के लिए सरफेस के ऊपर कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जो पानी को ना निकलने दें। अगर वो पानी ही हो, क्योंकि ज़्यादा रेडिली अवेलेबल है पाकिस्तान में, तो वो भी अच्छी बात है। आप अगर शटरिंग के अंदर रखें कॉलम को, वो भी एक हद तक क्योरी हो रहा होता है, ऊपर से सिर्फ पानी डाल दें। क्योरिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं, केमिकल्स भी डाले जाते हैं, लेकिन क्योरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हाइड्रेशन प्रोसेस अगर पूरा नहीं होगा तो वो जो कॉन्क्रीट के अंदर हाइड्रेशन का जो क्रिस्टल्स बनते हैं, जो स्ट्रेंथ आती है, वो नहीं आ पाएगी और ओवरऑल स्ट्रेंथ कम ही होगी। ये एक टिपिकल सिंगल लोड मिक्सर आप देख रहे हैं, इसमें ये इंजन है जिसको पाकिस्तान में अक्सर पीटर इंजन कहा जाता है। ये बकेट है इसकी जिसके अंदर रॉ मटेरियल्स डाले जाते हैं, और ये मेन ड्रम है मिक्सर का जिसके अंदर मिक्सिंग होती है। तो बेसिकली ये जो बकेट है ये नीचे आती है राइट साइड पे, उसके अंदर रॉ मटेरियल्स डाले जाते हैं, रेत डाली जाती है, क्रश डाली जाती है, सीमेंट डाला जाता है, और इसको इस पोजीशन में, इस पोजीशन में भी, इस पोजीशन लाएँ तो ये अपने ड्रम को फीड कर देता है। ड्रम में मिक्सिंग होती है और ड्रम के फार एंड से व्हील बैरो के थ्रू हम मटेरियल जो है वो बाहर निकाल के बाकी इस्तेमाल करते हैं। सो ये एक बैचिंग प्लांट का टिपिकल सेटअप है। लेफ्ट साइड पे आप स्टोरेज के लिए हॉपर्स देख रहे हैं, फ्रंट पे जिधर ये ग्लोबल लिखा है यहाँ पे मिक्सर है, मिक्सर का ड्रम है। इसके लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो कंट्रोल रूम है जहाँ से क्वांटिटीज़ चेक हुई होती हैं और कंट्रोल होती हैं। राइट साइड पे आप सीमेंट का स्टोरेज साइलो देख रहे हैं, सीमेंट यहाँ से आके इस पाइप के थ्रू मिक्सर में जाता है
और ये हॉपर्स के नीचे कंट्रोल्ड अमाउंट के अंदर रॉ मटेरियल यानी कि क्रश और रेत इस मिक्सर के अंदर जाती है। क्रश और रेत यूजुअली साइट के ऊपर स्टैक्स में पड़ी होती है और इसको स्टोरेज स्पेस तक लेके जाते हैं हॉपर्स तक। और फिर मिक्सर के नीचे आप देख सकते हैं कि एक एग्जिट शूट है जिसके नीचे ट्रांजिट मिक्सर वो जो ट्रक होता है वो खड़ा होता है और ट्रांजिट मिक्सर अपना कॉन्क्रीट भर के पंप तक या साइड तक लेके जाता है।